हिमेश जी, सारा को तो आपने डेंजर मीटर पे 7 रेट किया. आपके पास ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जो इनके सामने आकर परफॉर्म कर सके? एक बहुत ही कमाल का सिंगर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा. इट्स अमन त्रिका. हाय, मेरा नाम है अमन त्रिका और मैं मुंबई से हूँ. मैं शास्त्रीय संगीत पिछले 7 सालों से सीख रहा हूँ. मैं बहुत रिलीजियस हूँ और रिलीजन में काफी विश्वास रखता हूँ. मेरी बहुत उसमें आस्था है. म्यूजिक में गाने के साथ साथ मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना और उनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. वैसे तो अमन सारा दिन म्यूजिक में ही बिजी रहता है, पर जब हमारे साथ होता है घर पे, उसका दूसरा जो पैशन है क्रिकेट और खाना पीना तो घूमना, तो उसके साथ हम ये समय व्यतीत करते हैं और उसको खुश रखते हैं. हमें थोड़ा डर लगता था कि इसका करियर कैसा होगा, लेकिन अब जब सुरक्षेत्र में ये सिलेक्ट हुआ है तो हमें बहुत भरोसा है कि इस मंच से इसको काफी आगे तक जाने का मौका मिलेगा और ये जरूर जीतेगा. अमन को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षेत्र का ताज जीत कर आए. इस सुरक्षेत्र में तो मैं इंडिया को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाला. अमन, ऑल द बेस्ट. खुदा ने चाहा तो ये हिंदुस्तान को जिताएगा. अमन, ऑल द बेस्ट. इंडिया के साथ है अमन त्रिका. पाकिस्तान अब जीत के दिखा. बहुत ही बढ़िया रोमांटिक परफॉर्मेंस था आपका, बहुत अच्छा लगा. आपको क्या लगा इनका परफॉर्मेंस? आशा जी, जैसा गाना है न्यू मॉडर्न स्टाइल का, उसमें बहुत अच्छा लगा. और जैसे वो आवाज रियोडलिंग की तरह ऊपर ले जाते हैं, वो बहुत ही सुर में और बहुत अच्छी ली. और एक लव सॉन्ग होना चाहिए, वैसा ही उन्होंने गाया, सुर में बहुत अच्छा गाया. थैंक यू. सिर्फ मुझे हैट नहीं अच्छी लगी. वॉइस क्वालिटी वाकई में बहुत अनोखी है और बहुत रोमांटिक, बहुत खूबसूरत टेक्सचर है. थोड़ा सा मुझे ऊपर के नोट्स में थोड़ा
लगा के कम कम थे थोड़े नोट्स. तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस. थैंक्स अ लॉट. मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ. पहले परफॉर्मेंस में हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा आदमी है अंदर से. खुश हूँ आपसे, बहुत खुश हूँ. शुक्रिया जी. बट अब डेंजर मीटर का वक्त आ गया है. कैप्टन आतिफ, मैं यही कहना चाहूंगा एज अ पाकिस्तानी कैप्टन कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है. मैं जरूर आपको सजेशंस भी देना चाहूंगा कि इस गाने में आपका फॉल्सेटो बहुत अच्छा था. अंतरे में एक दो जगह ऊपर नीचे थी और आने वाली परफॉर्मेंसेस मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉमिसिंग हो सकती हैं. अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी टोन दी है. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंसेस एंड आई रेट यू 6. इसके आने वाले परफॉर्मेंसेस, जो भी अभी तक दो परफॉर्मेंसेस ऑडियंस ने देखे हैं, उससे 100 गुना ऊपर ये कर सकता है और अब ये करेगा. और मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा ये करने के लिए. तुम्हारा देश तुम्हें मोटिवेट कर रहा है. यू हैव टू डू बेटर बिकॉज यू आर अ फैंटास्टिक सिंगर. ये ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सिंगर और बहुत अनकन्वेंशनल वॉइस है. अनकन्वेंशनल गाने सिलेक्ट करता है. बट और बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तुम्हारी होगी, ये मैं ऑडियंस से वादा करता हूँ. थैंक यू सर. बिसाइड सिंगिंग आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं मगर आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है. गो. क्रिकेट का मुझे बहुत बड़ा शौक है. अगर मैं म्यूजिशियन ना होता तो जरूर क्रिकेट रिप्रेजेंट कर रहा होता. यहाँ पर है सुर क्षेत्र में हमारा. मेरा उसका भी एक मैच खेल लेते. हाँ, हो जाए. उसका भी एक मुकाबला होना चाहिए. जरूर सर. आतिफ साहब को मुकाबला करने का बहुत शौक है. नहीं जी, हम सिर्फ शौक नहीं है, हम हिम्मत भी रखते हैं. सर हम भी तैयार हैं. हम ये करना चाहेंगे. आप तो हैं. ओह माय गॉड, कंपटीशन बढ़ रहा है. हम भी तैयार हैं. चले देखते हैं. सुर क्षेत्र पर जंग जारी है, कंपटीशन बढ़ती जा रही है. सो गुड लक फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच कैप्टन.